गुड मॉर्निंग। आज फिर से मैं अपना तीसरा वीडियो लेकर के आप सब बच्चों के लिए प्रणव झा। बच्चों, पिछला दो वीडियो हमने डाला था सिलेबस को लेकर के, और हमने कहा था कि एक एक बच्चों को सबसे पहले सिलेबस के बारे में जानकारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर बच्चों को हम क्या स्टडी करने जा रहे हैं, हम कैसे स्टडी करने जा रहे हैं, हम किस तरीके से स्टडी करने जा रहे हैं, हमें क्या करना है, एक प्रॉपर अगर हम प्लानिंग नहीं करेंगे तो हम कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। तो मैंने जो दो वीडियो इसके पहले आपको दिया है, मेरा वीडियो बहुत सिस्टमैटिक होगा। ये वीडियो आपको यूट्यूब चैनल पर भी मिल जाएगा, और जो पहला जो वीडियो आपको मैंने दिया उस वीडियो में मैंने सिलेबस के बारे में थोड़ी सी बातें बताई। फिर मैंने दूसरा वीडियो आपके लिए तैयार किया, जिस वीडियो में कंप्लीट सारे सिलेबस के बारे में मैंने आपको बताया कि हमें पार्टनरशिप कैसे स्टडी करनी है, किस तरीके से स्टडी करनी है, पार्टनरशिप में हम कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखेंगे, और किस चैप्टर को कैसे पढ़ना है, किस चैप्टर के अंदर कितने मार्क्स के क्वेश्चन सीबीएसई के द्वारा अनालाइज किए जाते हैं, और कौन से चैप्टर्स में कितने कंटेंट्स हमें स्टडी कर रहे हैं। मैंने कहा था आपसे कि आप सिलेबस को देखेंगे। आज मैं आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मैं प्रयास करूंगा कि आपको सिलेबस का एक कंटेंट दे दिया जाए। मेरा जो पर्सनल नोट्स है उसका भी कंटेंट आपको थोड़ा मैं दूंगा आपको, और आप उसको भी स्टडी करेंगे और वीडियो को बहुत माइनॉरिटी देखेंगे। मैं प्रयास करूंगा कि एक एक चीजें, छोटी से छोटी चीजें, बड़ी से बड़ी चीजें के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दिया जाए। बच्चों देखो, मैंने आपसे कहा था कि जो पहला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे वो पार्ट ए से स्टार्ट करेंगे, पार्टनरशिप से। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ प्रैक्टिकल्स बनाते हैं। सीबीएसई में खास करके बच्चों के अंदर प्रॉब्लम्स है, सिर्फ मुझे प्रैक्टिकल्स बनाना है। लेकिन सीबीएसई का जो तरीका है पढ़ने का, उसमें जब तक बच्चे थ्योरी अच्छे तरीके से स्टडी नहीं करेंगे तब तक जाकर के आपका प्रैक्टिकल सॉल्व नहीं होगा, किसी भी हालत में नहीं होगा। तो जरूरी है कि आप थ्योरी को अच्छे तरीके से स्टडी करें, और थ्योरी से लिंक रिलेटेड, जब थ्योरी आप स्टडी कर लें फिर थ्योरी से लिंक रिलेटेड जो प्रैक्टिकल का कॉन्सेप्ट है देन उसके बाद उसको सॉल्व करें। तो आज सबसे फर्स्ट चैप्टर्स के ऊपर हम बात करेंगे, छोटी से छोटी चीजों के ऊपर बात करेंगे। फर्स्ट चैप्टर्स के ऊपर हम बात करेंगे, और फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि जो पहला जो फर्स्ट चैप्टर है बोर्ड पे, अगर विजिबिलिटी आपको दिख रही हो तो आप देखेंगे मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। इसको हम लोग फंडामेंटल्स के भी नाम से जानते हैं। जो चैप्टर हमारा फर्स्ट चैप्टर बनता है, अगर आप सिलेबस की बात करें तो जो फर्स्ट चैप्टर हमारा बनता है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म, जो फर्स्ट चैप्टर हमारा बनता है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म, इसको हम लोग फंडामेंटल्स के भी नाम से जानते हैं। इसको हम लोग फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप्स के भी नाम से जानते हैं। तो जो अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप है, जो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप है, इसका जो पहला कंटेंट है मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। डेफिनेशन को बड़ा 11th क्लास में बिजनेस स्टडीज में आपने स्टडी किया होगा इसको, और 11th क्लास में जो आपने बिजनेस स्टडीज में स्टडी किया होगा वहां भी आपने इस चीजों को पढ़ा होगा। लेकिन हमारे सिलेबस में है, हम एक एक चीजों को आपको आगे बढ़ाएंगे और एक एक चीजों को आपको समझाने का प्रयास करेंगे। मैंने कहा कि मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, मैंने कहा कि ये जो पार्टनरशिप बिजनेस है, इस पार्टनरशिप बिजनेस के लिए क्या किया गया कि एक एक्ट बनाया गया, और उस एक्ट को बोला गया इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। क्या बनाया गया? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बनाया गया 1932। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट 1932,
सिर्फ एड 1932 अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4। ये देखिए दो चीजें बहुत बड़ी चीजें हैं जब हम लोग लॉ को स्टडी करते हैं। आप जब पार्टनरशिप एक्ट को स्टडी करेंगे तो आप लॉ को स्टडी करेंगे, पार्टनरशिप एक्ट 1932 को स्टडी करेंगे। तो जब आप पार्टनरशिप एक्ट 1932 को जब आप स्टडी करेंगे, पार्टनरशिप एक्ट 1932 को जब आप स्टडी करेंगे तो यहां पे एक वर्ड आता है सेक्शन। ये सेक्शन क्या होता है? उस एक्ट के अंदर में जो रूल्स तैयार किए जाते हैं, उस एक्ट के अंदर में जो कुछ भी रूल्स रेगुलेशंस दिए जाते हैं, जो भी कुछ नियम्स दिए जाते हैं, वो सारे नियम्स हमारे किसके अंदर होते हैं? सेक्शन 4 के। सेक्शन 4 दैट मींस की सेक्शन के अंदर होते हैं। तो मैंने आपसे कहा कि जब आप पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर सेक्शन 4 में जब आप जाके देखेंगे तो पार्टनरशिप एक्ट को डिफाइन किया गया हुआ है। अब क्वेश्चन उठता है क्या डिफिनेशन। बहुत सारे बच्चे मैं देखता हूं कि बच्चों को सारी बातें समझा दी जाती है, अगर बच्चों को कहा गया है कि आप डिफिनेशन पार्टनरशिप का लिखिए तो बच्चे अपने वर्ड में लिखना शुरू कर देते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जब भी आप पार्टनरशिप को डिफाइन करें तो सबसे पहला डिफिनेशन आप डिफाइन करें तो अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये डिफिनेशन आपको एक्सप्लेन करना होगा। कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप? तो इसके लिए डिस्क्राइब किया गया हुआ है सेक्शन 1932 पार्टनरशिप एक्ट सेक्शन 4 में। ध्यान से देखेंगे, सबसे पहला जो कॉन्टेंट हमारा बनता है कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन। देखिए ध्यान से, पहला कॉन्सेप्ट क्या है? पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन। पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप दो या दो से ज्यादा व्यक्तियों के बीच का एक संबंध है। क्लियर? क्लियर एकदम है, बस समझना है इसको। पार्टनरशिप क्या है? तो पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन। पार्टनरशिप क्या है? एक रिलेशन है टू और मोर पर्सन, बिटवीन टू और मोर पर्सन, रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन। पार्टनरशिप क्या है? दो या दो से ज्यादा व्यक्तियों के बीच का क्या है? संबंध है। तो सबसे पहले अगर इस डिफिनेशन को हम देखें, तो अगर हम इसे देखें तो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट हमारा डिफिनेशंस को लेकर के पहला पॉइंट निकला कि पार्टनरशिप क्या है? एक रिलेशन है बिटवीन टू और मोर पर्सन। सेकेंड देखिए क्या लिखता है, हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ ए बिजनेस। सेकेंड पॉइंट देखिए, सेकेंड पॉइंट निकल रहा है हमारा। हमने डिफिनेशंस को कैटेगराइज कर दिया, अलग अलग डिफिनेशंस को भी हम अलग अलग आपके सब आसान आपको आपके लिए कर रहे हैं, अलग अलग आपके लिए डिफिनेशंस को कैटेगराइज कर रहे हैं। हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ ए बिजनेस। जितने भी पार्टनर्स हैं उनके बीच में एक सहमति होनी चाहिए। किस चीज की सहमति? तो जब हम बिजनेस करते हैं, पार्टनरशिप बिजनेस, तो उसके अंदर जो प्रॉफिट्स होगा उस प्रॉफिट्स को हम लोग क्या करेंगे? शेयर करेंगे, आपस में बांटेंगे। मैंने दो बातें आपसे कही। मैंने पहली बात आपसे कही कि पार्टनरशिप क्या है? एक रिलेशन है। किसके बीच में? टू और मोर पर्सन के बीच में। पार्टनरशिप क्या है? एक रिलेशन है। किसके बीच में? टू और मोर पर्सन के बीच में। दूसरी बात मैंने क्या कही? कि वो सारे पार्टनर्स आपस में जो भी फर्म्स के अंदर प्रॉफिट होगा, फर्म के अंदर जो भी लाभ होगा, उस फर्म के प्रॉफिट को, लाभ को क्या करेंगे? वो लोग क्या करेंगे? आपस में शेयर करेंगे। थर्ड, carried on by all or any of them। देखिए जरा ध्यान से, थर्ड क्या है? carried on by all or any of them, acting for all। कहने का बेटा क्या मतलब? कि मान लो कि हमारे फर्म में ए बी और सी तीन पार्टनर है, तो जो फर्म जो चलाया जाएगा वो फर्म इस तीनों पार्टनर के द्वारा भी चलाया जा सकता है या तीनों में से किसी एक व्यक्ति के द्वारा भी चलाया जा सकता है। एकदम ध्यान से देखिए, एकदम इजी गोइंग कॉन्सेप्ट है, कहीं से कोई दिक्कत या कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। और सबसे पहले जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, जो थ्योरी है, वो आपके कॉन्सेप्ट में एकदम बेटे आनी चाहिए। जब तक वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा, और मेरा जो अपना पढ़ने पढ़ाने का तरीका रहा है उसमें मैं बच्चों से कहता हूं कि आप अपने बेसिक्स कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। अगर आपके बेसिक्स कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, आपके आपकी जो एबिलिटी हो गई उस सब्जेक्ट को समझने की, उस टॉपिक को समझने की, देन उसके बाद आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी होगी। तो मैंने वही कहा कि पार्टनरशिप का जब डेफिनेशन हम तैयार करेंगे तो
तो उस डेफिनेशंस में आप देखेंगे कि क्या है, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ ए बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। पार्टनरशिप एक संबंध है दो या दो से ज्यादा व्यक्तियों के बीच का, और उसमें होता क्या है कि जो प्रॉफिट्स होता है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बांटते हैं, शेयर करते हैं, और बिजनेस सारे पार्टनर्स के द्वारा या सब पार्टनर्स में से किसी एक पार्टनर्स के द्वारा भी चलाया जा सकता है। चलिए हम डिफिनीशंस की बात हमने कर लिया, डिफिनीशंस के बाद हम देखते हैं कि डिफिनीशंस के बाद इसी डिफिनीशन से पार्टनरशिप का फीचर निकल गया। इसके लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसी डेफिनेशन को जब आप स्टडी करेंगे तो इसी डेफिनेशन से फीचर भी निकल करके आ जाएगा। तो इसके बाद आज हम स्टडी करते हैं डेफिनेशन के बाद फीचर्स। जब हम मैंने आपसे कहा कि फीचर्स की बात हम जब करेंगे फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, हम एक एक पॉइंट को लेंगे। मेरा जो नोट्स है जो आप लेंगे उसमें सारी चीजें लिखी गई भी है और नोट्स भी आपको मिल जाएगा। Then, हम यहां भी स्टडी करेंगे कि जो नोट्स में जो बातें दी गई भी हैं फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप को समझने के लिए करना कुछ नहीं है बेटा, कुछ नहीं करना। फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप को समझने के लिए सिर्फ एक छोटी सी बात है और डिफिनीशंस को समझना। डिफिनीशंस को जब आप समझेंगे तो फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली सारी बातें आपके समझ में आ जाएगी। अगर हम फीचर्स की बात करें तो सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो होता है टू और मोर पर्सन। एकदम ध्यान से देखिएगा, टू और मोर पर्सन, ये टू और मोर पर्सन क्या होता है? टू और मोर पर्सन का मतलब होता है कि पार्टनरशिप बिजनेस में जो मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स होंगे, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होंगे? दो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कंपनी एक्ट में भी मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स को लेकर के कंपनी एक्ट ने भी अपने आप को डिफाइन किया। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स की अगर हम बात करते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स की अगर हम बात करेंगे तो कंपनी एक्ट से कहा, कंपनी एक्ट ने कहा 100। अब बच्चे आपको कंफ्यूजन हो गई होगी कि सर ये तो गलत पढ़ा रहे हैं आप, ये तो गलत है, 50 है। जी नहीं, बातों को ध्यान से समझिएगा। लॉ में बहुत सारी बातें ऐसी दी गई हुई होती है जिसको बहुत ही माइनॉरिटी समझना होता है। जैसे कि एग्जाम्पल्स मैं आपको देता हूं, मान लीजिए कि एक आदमी ने आपको कहा कि आप पूरे विश्व का भ्रमण कर गए और उसके बाद उसने आपको लिमिटेशन लगा दिया कि नहीं पूरे विश्व का भ्रमण आपको नहीं करना है, आपको बस चार स्टेट को ही देखना है। उसने क्या किया? लिमिटेशन लगा दिया। यही यहां पर समझना है हम लोगों को। मैंने कहा कि कंपनी एक्ट ने कहा कि आप मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने रख सकते हैं? 100 मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। लेकिन फिर पार्टनरशिप एक्ट ने क्या कहा? नहीं, हमने आपको लिमिटेशन दे दिया, आप मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 50 रख सकते हैं। देखिए गलती कहीं नहीं है, मैंने क्या कहा कि मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होंगे? 2। अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इज 100, बट पार्टनरशिप एक्ट ने इसको एक लिमिटेशन दे दिया कि पार्टनरशिप एक्ट के अंदर में कितने होंगे? 50। अब अगर मैं बात करूं, अगर आपसे कोई पूछे कि मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होंगे तो 2 और मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होंगे? 50। बच्चों ये बातें समझ में आई कि नहीं? बहुत हल्की फुल्की बातचीत है, बहुत हल्की फुल्की बातचीत है, इसको बहुत आसान तरीके से आप समझ सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो पहला जो हमारा जो फीचर्स है वो हुआ टू और मोर पर्सन।
ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जब भी पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, तो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में बातें आती है कि मिनिमम नंबर और मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने होते हैं। सेकेंड इज द एग्रीमेंट, ध्यान से देखेंगे एग्रीमेंट। देखिए एग्रीमेंट क्या होता है, एग्रीमेंट बेसिक हल्की फुल्की भाषा में अगर बात करें हम लोग, तो एग्रीमेंट का मतलब होता है कि जो भी पार्टनर्स होंगे वो आपस में बैठेंगे और वो पार्टनर से बिजनेस कैसे चलेगा, किस तरीके से चलेगा, इसके ऊपर बातचीत करेंगे और बातचीत करके एक कह सकते हैं उसको एक शर्त तैयार करते हैं कि हम इसी के अकॉर्डिंग टू पार्टनर से बिजनेस करेंगे। परेशानी कहां है सर, कि जो एग्रीमेंट है वो एग्रीमेंट दो तरीके से हो सकता है। एक एग्रीमेंट हो सकता है जिसको आप रिटेन कर सकते हैं, रिटेन इन द सेंस कि ये सारी चीजें जितने भी टर्म कंडीशन होंगे पार्टनरशिप के वो सारे लिखित रूप में होंगे, सबको लिख लेना है, पेपर पे लिखना, मैं बताऊंगा अगला जो टॉपिक हमारा आएगा। इस रिटेन एग्रीमेंट को हम पार्टनरशिप डीड के भी नाम से जानते हैं, तो जब पार्टनरशिप डीड हम आपको अगले क्लास में पढ़ाएंगे, अगले क्लास में स्टडी करवाएंगे, तो आप वहां पे देखेंगे कि जो पार्टनरशिप डीड है, इस पार्टनरशिप डीड में कौन कौन से एसेंशियल कॉन्टेंट आते हैं जिनको दिखाया जाता है। यहां पर हम बस छोटी सी बात करेंगे, आज का जो हमारा जो टॉपिक है डेफिनेशन और फीचर्स, इसमें बस छोटी सी बात हम करेंगे कि रिटेन एग्रीमेंट होता है और उस रिटेन एग्रीमेंट में जितने भी हमारे पार्टनर्स होंगे वो सब आपस में बैठेंगे और एक रिटेन कॉन्सेंट तैयार करेंगे, इसको म्यूचुअल कॉन्सेंट बोला जाता है, कंसेंसस ऑफ आइडिया, एक म्यूचुअल कॉन्सेंट तैयार करेंगे कि हमें बिजनेस कैसे करना है, हम बिजनेस में कितना कैपिटल लगाएंगे, किस पार्टनर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी, एडमिशन का क्या प्रोसेस होगा, रिटायरमेंट का क्या प्रोसेस होगा, डेथ होगा तो क्या प्रोसेस होगा, बहुत सारी बातें हैं वो हम बाद में बात करेंगे। यहां बस आप देख लीजिए कि रिटेन कॉन्सेप्ट यहां पर हो जाता है। दूसरा जो यहां पर है ओरल, ओरल डेट मीन्स आपस में बैठ गए, आपस में बैठ करके बातचीत कर लिया कि हाँ भाई इस तरीके से हम बिजनेस करेंगे, डेट्स ऑल। लेकिन सर आप कहेंगे सर क्या ये संभव है क्या? यह संभव है। पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि आप रिटेन भी बिजनेस को चला सकते हैं और ओरली भी बिजनेस को चला सकते हैं, लेकिन आप ऑब्वियस समझ सकते हैं कि पार्टनरशिप बिजनेस बेटा अगर रिटेन हो तो ज्यादा अच्छा है, रिटेन अगर बिजनेस होगा तो उसे आपको फायदा क्या होगा, सारी बातें लिखी हुई रहती है, सारी बातें कहीं से कहीं कोई परेशानी आपको नहीं है। अगर जो रिटेन एग्रीमेंट होता है ये हमारे पार्टनरशिप बिजनेस का चार्टर्ड होता है और इसके अकॉर्डिंग जो हम लोग क्या करते हैं कि कहीं से भी कुछ भी अगर पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूटेशन अगर हो तो उस डिस्प्यूटेशन को हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, इसको हम लोग समाप्त कर सकते हैं। थर्ड जो पॉइंट हम लोग के सामने है ये है लॉफुल बिजनेस, लॉफुल बिजनेस क्या होता है? देखिए लॉफुल बिजनेस का मतलब होता है बिजनेस वैसा होना चाहिए जो अकॉर्डिंग टू लीगल हो, अकॉर्डिंग टू लॉ हो, जिसको गवर्नमेंट मान्यता देती हो, गवर्नमेंट की जिसको अथॉरिटी मिली हुई हो कि हाँ भाई आप ये बिजनेस कर सकते हैं। तो जब तक बिजनेस लॉफुल नहीं होगा तब तक वो पार्टनरशिप बिजनेस का क्रिएशन किसी भी हालत में नहीं कर सकता है। सबसे जो इंपॉर्टेंट यहां पे बातें हैं प्रॉफिट शेयरिंग, प्रॉफिट शेयरिंग। नेक्स्ट जो फीचर हमारा है क्या है? प्रॉफिट शेयरिंग, मतलब किसी भी हालत में पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर एक लीगल सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए कि हम बिजनेस के अंदर जो प्रॉफिट्स हो रहा है वो प्रॉफिट सारे पार्टनर में क्या कर दिए जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे। तो जो फीचर्स बेटा हम लोग स्टडी कर रहे हैं उसमें सबसे पहला फीचर हम लोगों ने क्या देखा, सबसे पहला फीचर हम लोगों ने देखा कि बिजनेस में क्या टू और मोर पर्सन, सेकेंड हमने क्या देखा एग्रीमेंट, थर्ड हमने क्या देखा, थर्ड हमने देखा लॉफुल बिजनेस, फोर्थ हमने देखा प्रॉफिट शेयरिंग। आगे हम लोग देखेंगे कि प्रॉफिट को शेयर कैसे करते हैं। ये जो बिजनेस है इसको हम बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी कॉन्सेप्ट। म्यूचुअल एजेंसी कॉन्सेप्ट फीचर्स में क्या आता है? म्यूचुअल एजेंसी बेटा कॉन्सेप्ट जो होता है इसका मतलब होता है कि
अगर पार्टनरशिप बिजनेस चल रहा है, मान लीजिए कि ए है, बी है, सी है, तीन पार्टनर है हमारे, और तीन पार्टनर हमारे हैं, पार्टनरशिप बिजनेस में हर एक पार्टनर की रेस्पॉन्सिबिलिटी उतनी ही होगी जितनी रेस्पॉन्सिबिलिटी एक एक पार्टनर की होगी। दैट मीन्स कि अगर कोई पार्टनर कोई डिसीजन लेता है, उस डिसीजन के लिए उत्तरदायी जो बचे हुए पार्टनर हैं वो भी होंगे। जब हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो एजेंसी के कॉन्सेप्ट को, म्यूचुअल एजेंसी के कॉन्सेप्ट को और भी हम लोग डेवलप तरीके से स्टडी करेंगे। तो यहां हमने देखा कि जो पार्टनर हमारे हैं वो पार्टनर अगर म्यूचुअल एजेंसी कॉन्सेप्ट की अगर बात करें तो म्यूचुअल एजेंसी कॉन्सेप्ट में सिंपल सी बात समझिए, इसमें एजेंसी भी एक लॉ है जिसको आप जब बीबीए में जाएंगे, एमबीए में जाएंगे तो वहां पर आप पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर हम बस छोटी सी बात आपको समझाएंगे कि जो पार्टनरशिप बिजनेस है उसमें कोई भी अगर पार्टनर है, अगर वो डिसीजन लेता है और उस डिसीजन में जो और भी पार्टनर्स हैं वो उतने ही लागत होंगे जितना कि वो पार्टनर लागत होगा। इसके बाद मैंने आपको बताया नेक्स्ट जो फीचर हमारा होता है, मैंने आपसे कहा हुआ है कि बिजनेस कैन बी कैरिड, बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। दैट मीन्स व्हाट? मैंने आपको कहा कि मान लीजिए कि ए बी सी डी हमारे चार पार्टनर्स हैं, पार्टनरशिप बिजनेस में सारे पार्टनर के द्वारा भी बिजनेस को चलाया जा सकता है और कोई एक पार्टनर भी बिजनेस को चला सकता है। बच्चों आज हमने जो बातचीत की दो टॉपिक्स के ऊपर बातचीत किया, इस दो टॉपिक्स में जो हमने डिस्क्राइब किया आपको आपके सामने, उस डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको बताया कि डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है और फिर मैंने आपको बताया फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है। मैं अपना नोट्स भी आप लोगों के ग्रुप पे डाल दूंगा, आप वहां से उसको ले सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, आप पढ़ेंगे और छोटा छोटा कॉन्टेंट स्टडी करना है, छोटे छोटे पार्ट से स्टडी करना है। खास करके जो बुक मैंने आपको प्रोवाइड की हुई है वो बुक आप स्टडी करेंगे, एनसीईआरटी को जरूर पढ़ें, एनसीईआरटी कंपलसरी है। हम जो आपको प्रैक्टिकल्स भी करवाएंगे एक दो क्लासेस के बाद, मोस्ट प्रोबली दो क्लासेस के बाद आपका प्रैक्टिकल्स कॉन्सेप्ट आएगा। पहला प्रैक्टिकल्स कॉन्सेप्ट पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का होता है, वो जो हम आपको करवाएंगे। तो यहां पर आज जो आप स्टडी करेंगे उसमें डेफिनेशंस को आप स्टडी करेंगे और देन डेफिनेशंस के बाद आप फीचर्स को स्टडी करेंगे और थ्योरी के एक एक चीजों के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, बहुत ध्यान से इसको देखेंगे। देखो बच्चों, ट्वेल्थ के एग्जाम्स को बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करने के लिए लोग कहते हैं कि ट्वेल्थ के एग्जाम्स बहुत टफ होते हैं, कुछ टफ नहीं होता, थोड़ा सा जिन बच्चों का इलेवेंथ का बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छा है और जो बच्चे एवरीडे स्टडी करते हैं रूटीन के अकॉर्डिंग टू, जो आप स्टडी करेंगे कहीं से कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, छोटा छोटा कंटेंट पढ़े और जो कंटेंट पढ़े उसको क्लियर करें। अगर आप होमवर्क की बात करें तो आप होमवर्क में आज एक क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं, नोट्स तैयार कर सकते हैं फिर की कॉपी में, डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। मैंने क्या बोला? डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिस्क्राइब फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, और इसको बहुत ही 6 मार्क्स के क्वेश्चन में आप इसको तैयार करेंगे, ये समझ के चलेंगे कि 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, प्रयास करेंगे 150 वर्ड्स में इसके आंसर हो कम से कम और एलोबरेट करेंगे। बहुत सारे बच्चे सिर्फ जो फीचर्स अपन लिखते हैं तो उसमें लिख देते हैं टू और मोर पर्सन एग्रीमेंट, लॉफुल बिजनेस, प्रॉफिट सेलिंग बिजनेस, म्यूचुअल एजेंसी, ये लिख देते हैं, लेकिन ऐसे नहीं लिखना है, लिखना है और फिर थ्योरी को भी लिखना है और इसको फेयर के कॉपी में, जब भी हमारे क्लासेज जब स्टार्ट होंगे स्कूल से तो फिर हम उसको प्रॉपरली चेक करेंगे सारी कॉपी को। और बच्चों का जो नोट्स है उस नोट्स को, जो जो क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं ये क्वेश्चंस भी होंगे और उसको फेयर के कॉपी में आपको नोट डाउन भी करना है। फॉर द एग्जांपल्स, जैसे आज आपको काम क्या करना है, पूरे डेफिनेशंस को फेयर के कॉपी में लिखेंगे, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप को लिखेंगे और देन उसको आप कंप्लीट कर लेंगे। एवरी डे जो भी पढ़ाई आप करते हैं यहां हमारे क्लास में उसको आप कंप्लीट करते चलेंगे, मान के आप चले कि सिलेबस आपका कंटिन्यू हो चुका हुआ है। हम देखेंगे क्या परिस्थितियां रहती है और जो परिस्थिति होगी उसके अकॉर्डिंग टू हम आगे बात करेंगे और सिस्टमैटिक आप लोग भी स्टडी करना शुरू कर दीजिए, सिस्टमैटिक हम भी आपको स्टडी करवा रहे हैं, ठीक है। और कहीं से भी कोई दिक्कत हो
तो लगभग बच्चों के पास मेरा कॉन्टेक्ट नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अभी भी कभी भी आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे आप क्वेश्चंस भेज सकते हैं जो रिलेटेड हो, जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं उससे रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है, उससे रिलेटेड होना चाहिए, आप भेजेंगे मैं आपको उसका क्वेश्चंस का आंसर भेज दूंगा, इसके लिए कहीं से कोई परेशानी नहीं है। लगभग बच्चों के पास मेरा नंबर होगा, आप देख लेंगे मेरा व्हाट्सएप नंबर। आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद, गुड डे, अच्छे से पढ़िए, स्वस्थ रहिए, घर में रहिए और अपने परिवारजनों, अपने परिवार, अपने आस पड़ोस के लोगों का ध्यान रखिए। थैंक यू।